विराट का धीमा शतक आरसीबी को ले डूबा, बटलर के तूफान में उड़ा आरसीबी। जॉस बटलर के नाबाद शतक और संजू सैमसन की तूफानी पारी से राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर बैंगलोर को आईपीएल के एक मैच में 6 विकेट से हरा दिया। इस मुकाबले में आरसीबी ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली की 113 रनों की नाबाद शतकीय पारी से 20 ओवर में 183 रनों का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में राजस्थान ने अपने होम ग्राउंड में 5 गेंद शेष रहते ही मुकाबले को अपने नाम कर दिया। आरसीबी के खिलाफ इस मैच में राजस्थान की शुरुआत खराब हुई थी। बता दूं कि ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले ही पेवेलियन लौट गए। बिना कोई रन बनाए ही अपना पहला विकेट गंवाने के बाद राजस्थान की टीम मुश्किल में लग रही थी, लेकिन इसके बाद बटलर के साथ मिलकर संजू सैमसन ने तबाही मचा दी। इस दोनों बल्लेबाजों ने अपने तूफानी बैटिंग से आरसीबी के गेंदबाजों के नाक में दम कर दिया। बटलर और संजू ने मिलकर इसके बाद दूसरे विकेट के लिए 148 रनों की पार्टनरशिप की। आरसीबी के खिलाफ इस मुकाबले में संजू सैमसन ने सिर्फ 42 गेंदों में 69 रनों की धुआंधार पाली खेली। अपने इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 2 बेहतरीन छक्के भी लगाए। बता दूं कि जॉस बटलर इंडियन प्रीमियर लीग में अपना 100वां मैच खेल रहे थे। बटलर केएल राहुल के बाद दूसरे खिलाड़ी बने जिन्होंने अपने 100वें आईपीएल मैच में शतक लगाया है। हालांकि आरसीबी के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए ऐसा लग रहा था कि बटलर अपना शतक पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 20वें ओवर में टीम को जीत के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। लेकिन 94 रन के स्कोर पर बैटिंग कर रहे बटलर ने मोहम्मद सिराज के खिलाफ पहली गेंद पर ही सिक्स लगा दिया, जिससे बटलर ने न सिर्फ अपना शतक पूरा किया बल्कि 5 गेंद शेष रहते ही राजस्थान को जीत दिला दी। इससे पहले आरसीबी ने बैटिंग करते हुए ओपनर्स ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई। राजस्थान के खिलाफ इस मुकाबले में विराट कोहली ने बेशक ही शतकीय पारी खेली, लेकिन इसके बावजूद उनकी टीम राजस्थान के सामने सिर्फ 184 रनों का लक्ष्य खड़ा कर सकी। विराट कोहली आरसीबी के लिए आखिरी तक नाबाद रहते हुए 113 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 156 का रहा। बता दूं कि विराट कोहली ने इस पारी में 67 गेंद में अपना शतक पूरा किया, जो कि उनके आईपीएल करियर का सबसे धीमा शतक साबित हुआ। यही कारण है कि उनकी धीमी पारी आरसीबी पर भारी पड़ गई। देखा जाए तो विराट कोहली के शतकीय पारी से ही आरसीबी 184 रनों तक पहुंच पाई, क्योंकि आरसीबी की तरफ से दूसरा और कोई बैट्समैन विराट का साथ नहीं दे पाया। वैसे आपको क्या लगता है आरसीबी के इस हार के पीछे कौन सा खिलाड़ी है, कमेंट्स करके बताइए। आई होप ये जानकारी भरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नए और रोचक जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।